काम हमने ऊपर किया था। अब डिलीट करके ज़रूरत नहीं है वीडियो की, या भी सेकंड टाइम हाँ वो जब आप कहते हैं सेकंड टाइम वीडियो बनती आवाज़ नहीं आती नहीं है, वो तो सिर्फ अब फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट वो तो वो जब नहीं पीसी है। स्टार्ट करते हैं जो उस वक्त आता है और ये था हमारे पास डी आर पी सिटी। ये मेथड तो ऐसे ही रहेगा, एर एडॉप्टर, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये स्टैटिक था, इसको डायनामिक था। ये रेफरेंस तो ऊपर किया था, एरे लिस्ट टू ले लेंगे, ठीक है, एरे लिस्ट टू आ जाएगा, ड्रॉप डाउन सिटी आ जाएगी, फिल बाई सिटी आईडी, ये एक और मेथड बना देंगे। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सिलेक्शन, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक चीज़ रिमार्क्स की थी, अभी इसको चेंज करूँगा, कि कंट्री पे हमने एक मेथड एनोनिमस मेथड लगाया हुआ था कि जैसे ही हम इसे कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा कि जो सिलेक्शन डॉट, ये ऊपर वेरिएबल लिया हुआ, टेक्स्ट व्यू लिया हुआ, उसके अंदर वैल्यू को डाल देता है, हाँ, तो वो वैल्यू इसमें चेंज कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि अब एरे लिस्ट हो गया, तब अगर ये एरे लिस्ट, जब एरे लिस्ट हो जाएगा तो यहाँ जो चेंज करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देख लेते हैं। अब ये इस तरीके से हम करेंगे, तो हम सिलेक्शन में क्यों रख रहे हैं, मतलब हाँ, टेक्स्ट व्यू में क्यों रख रहे हैं, हम तो उसमें कॉम्बो बॉक्स में नहीं रखेंगे। कोई वैल्यू तो हमें चाहिए होगी ना, जैसे लास्ट टाइम भी आप देखिएगा कि हमने ऊपर वेरिएबल बनाए थे, तो वो तो जब आप जी सिलेक्टेड इवेंट के ऊपर जो ना हम जा रहे हैं, जो कंट्री सिलेक्ट हो उसकी रेलिवेंट सिटीज़ आएँ, तो इस पर हमें देखें ये दो एक्शन परफॉर्म करने होंगे। पहला तो ये कि सिलेक्शन डॉट, हम देखो हो ही रहा है कि अभी इससे कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं की, लेकिन इनिशियली जो फर्स्ट कंट्री सिलेक्ट होगी उसकी तो वैल्यू चाहिए ना सिटी में। सिलेक्शन वो है एक वेरिएबल, टेक्स्ट व्यू है, वो है, लेकिन हम यहाँ क्यों रख रहे हैं, हम नहीं रखना चाह रहे हैं, हम डायरेक्ट मतलब मैं कंट्री में पाकिस्तान को जैसे सिलेक्ट करूँ तो नीचे हाँ कॉम्बो बॉक्स में हाँ नीचे। तो आ जाएंगी ना, देखो उस पर होगा क्या, ये देखो, अच्छा आप डबल कर रहे हैं, आप मतलब हाँ ऊपर टेक्स्ट वहाँ व्यू में फर्स्ट टाइम के लिए वहाँ से उठाया हुआ है जो, यानी फर्स्ट टाइम कोई कंट्री होगी ना उसकी सिलेक्टेड इवेंट के ऊपर वो आ जाएगा, चले करके देख लो। हाँ अभी देख। अच्छा सेकंड टाइम के लिए जब कंट्री को सिलेक्ट हम करेंगे तो ये पहले जो आर्गुमेंट था वो डिफरेंट था, आप एरे लिस्ट से हम वैल्यू को उठा रहे हैं। देख देखिए एरे लिस्ट के अंदर दो चीज़ें वो दे रहा होता है, एक उसके अंदर इंडेक्स पोजिशन होती है और सेकेंड उसके अंदर वैल्यू होती है। तो एरे लिस्ट डॉट गेट आर्ग्यूमेंट टू जो है इसका, ये आपको पोजीशन रिटर्न कर रहा होता है, पहले भी आई थिंक इसी से कर रहा था लेकिन थोड़ा सा मेथड का नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना एरे लिस्ट से हम यूज़ करेंगे जो कंट्री की वैल्यू है, यानी जो भी कंट्री का नाम है वो इसमें उठ के इसमें आ जाएगा, ठीक है, सेट टेक्स में आ गया। और फिर फिल बाई सिटी का मेथड है, इसके अंदर वो कंट्री पास कर देंगे, तो कंट्री का नेम यहाँ से पास होगा और उसके आगे जो सिटीज़ हैं वो पॉपुलेट हो जाएंगी। फिल बाई सिटी को हम यहाँ पर भी कर रहे हैं और फिल बाई सिटी को हम इनिशियल जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आ रहा है तो उसके अंदर भी कर रहे हैं। अब फिल बाई सिटी का मेथड देख लेते हैं, वो भी तकरीबन सेम है, मिलता जुलता ही है कंट्री से। इसको भी चेंज कर लेंगे, इसमें सिटी आ जाएगा। ये अब आ गया स्ट्रिंग कॉन हाँ जो वहां पे यूज किया था हाँ पहले। तो गेट ऑल सिटी आ जाएगा, गेट ऑल सिटी के अंदर जो कंट्री नेम है वो पास कर देंगे, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जो ऊपर से पास हो रहा है मेथड से फिल बाई सिटी से, तो इसके अंदर पास कर देंगे। यहाँ पर उसका ये साइज़ को काउंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को देखेगा, वैसे ही एरे लिस्ट टू के अंदर इसको ऐड करेगा, यानी दूसरा जो सिटी है उसका अपना अलग से एक लिस्ट बनेगी, उसको उठाएगा और एरे अडॉप्टर टू को नोटिफाई डेटा सेट चेंजिंग्स करेगा, तो उसकी जो चेंजिंग्स हैं वो उसके अंदर वही नोटिफाई चीज़ होगी। है ना, हाँ वही चीज़ है, सिर्फ सिर्फ जो डिफरेंस आया है वो ये आ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स का आया है,
हाँ फिल पाई का आया, और दूसरा ये जो है जब कंट्री को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को इस तरीके से गेट करेंगे, अरे लिस्ट टू डॉट गेट आर्ग्यूमेंट्स टू, और ये इसके मेथड में हाँ, और इसके मेथड को यहाँ भी कॉल कर देंगे। और ये तो हमने पहले इनिशियल डिस्कस कर चुके हैं ना कि जो एनोनिमस मेथड जो है किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर हाँ, और आइटम सेलेक्टेड के ऊपर इसको दे देंगे। सिटी का ऐसा यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, ये जो है ना जो सिटी का कॉमा बॉक्स हमने लिया था, ठीक है, तो आप इसको एक काम ये करेंगे कि जो सिटी का जो कॉमा बॉक्स है ना, जो सिटी की लिस्ट आ रही है उसको फ़िलहाल रिमार्क्स कर दें, आपकी ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को फिर जो है ना यहाँ पर रिमार्क्स कर देते हैं, यहाँ पर रिमार्क्स कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिमार्क्स हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है ना और तो कहीं नहीं है, सही सेव करते हैं, चला के देखते हैं, तो ये हमारा एक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। इसको देखना इस क्लास में मैंने करवाया था कि टैक्स चेक बॉक्स किस तरह सेव होता है, रेडियो बटन किस तरह सेव होता है, कॉम्बो किस तरह सेव होता है, ये सब करवाया था। स्टॉप उसका मतलब कुछ मसला है, कहाँ मसला है, एरे लिस्ट टू हो गया, एरे अडॉप्टर टू हो गया, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्री हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट सिटी हो गया, इस मेथड में देखते हैं कुछ मसला, फिल बाय कंट्री हो गया, फिल बाय सिटी के अंदर ये आ गया था, सिटी रिजल्ट्स आ गया था, सिटी रिजल्ट का गेट कर लिया था, तो अच्छा इसके अंदर मेथड जो है हमारे पास सिटी के अंदर किस नाम का है, गेट नहीं, तो फिलहाल इसको रिमार्क्स कर देता हूँ, इसकी वजह से मसला कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी सिटी में कोई भी नहीं आ रहा, इसको चेंज करते हैं, वैल्यू नहीं आई, वैल्यू क्यों नहीं आई, एरे लिस्ट टू, एरे लिस्ट टू, एरे लिस्ट टू, एरे ड्रॉपर टू, कंट्री रिजल्ट
डेटाबेस हेल्पर क्लास को देखते हैं, गेट ऑल सिटी। नेम सी नेम वो तो उससे लिंक कर रहे हैं ना, वही नेम पास कर रहे हैं ना। सारे कर रहे हैं पास। यहाँ पर ये वैल्यू आई ठीक है, गेट ऑल सिटी के अंदर इसके पैरामीटर को हमने लिया और यहाँ से कंट्री नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, सी नेम के अंदर हम जो है क्या दे रहे हैं, कंट्री नेम दे रहे हैं ना, और वो वैल्यू इसको पास कर रहे हैं। रिजल्ट रिजल्ट रिकॉर्ड्स रिटर्न रिकॉर्ड्स। बाज़ाहिर तो इसमें कोई मसला नहीं है, उसको मैंने बाकायदा परफॉर्म भी किया था। ऊपर ही कुछ मसला हुआ है, डेटाबेस हेल्पर में तो कोई मसला नहीं है यार, वो जो ना वो कंट्री के अंदर भी नहीं आएगी वैल्यू। हाँ, सिलेक्शन में कुछ और भी यूज़ किया हुआ है हमने, ये किया हुआ ना, ये तो गलत है ना यार। और कहाँ किया हुआ इसको, वो वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करने दे रहा ना सही। अब चला के देखते हैं, ये कहाँ यूज़ कर रहे थे। अच्छा, ये तो वो वेरिएबल था। इसको रेफरेंस जो हमने किया है ना, वो कंट्री से भी नीचे किया हुआ था और इसको यूज़ हम ऊपर कर रहे हैं।
चलें यार इसको आज यहीं पे रखते हैं, इसको मैं देख लूँगा, आप लोग भी देख लीजिएगा, चल चलता हुआ प्रोग्राम। कौन सा था ये वाला था ना? ये तो मसला नहीं है, इसको भी कर लेते हैं। ये तो उसको इनिशियल इनिशियल वैल्यू को जो है ना रिसेट कर रहा है। आखिरी ये देखते हैं, ये वैल्यूज़ जो है ना, ये तीन तो दिखा रहा है, तीन वैल्यू आ रही हैं डिस्प्ले में, लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो वैल्यू आ नहीं रही या शो नहीं हो रही। अब जैसे इसको इंडिया को सेलेक्ट करूँगा ना मैं, तो ये दो हो जाएंगी, ठीक है, दो हो गई है, और पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगा तो ये तीन हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की तीन सिटीज़ डाली हुई हैं। अब वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही, इसको देखना है। व्यू का मसला तो नहीं है। अरे अडोप्टर टू नोटिफाई चेंजिंग्स जो है ना, बेसिकली वो कर रही होती हैं करंट सिटी से, उसको गेट नेम को उठाना चाहिए उसको। इसकी कोई और टाइप तो नहीं हो रहा, यूजुअली बाइंड वगैरह करते हैं तो ये चलती ही है प्रोग्राम में सारे जो है ना, इसको मैंने ऑलरेडी रन किए हुए हैं सारे प्रोग्राम्स। चलें इसको मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना देख लूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, छोटा सा कोई